देखिए आज हम आपको दिखाएंगे जर्मनी का एक ऐसा लेक जो बहुत बड़ा तो है ही है, साथ ही साथ समुंदर वाला फील दे रहा है। डस लिया सॉरी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। आपको दिख ही रहा होगा बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एक लेक पे। लेक पे मतलब ये जो बाउंड्री बनी है वहाँ पर, इस लेक का नाम जो है वो है आमिर लेक। और मैं आज जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जर्मनी के बारे में, जो सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वाले जो फैक्ट्स हैं वो अभी तक मैंने जो है वो कवर नहीं करे हैं, और जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगे वो बताना, तो इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो लेके आऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो जो है वो शुरू कर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस था मेरी लाइफ में जब मैं जर्मनी में आई, डे लाइट कॉन्सेप्ट का, कि डे लाइट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डे लाइट सेविंग क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही गर्मियाँ जो है वो चालू होती है, तो ये जो डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था इंडिया से यहाँ आने के बाद। फिर जब मुझे ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो सबसे पहले अडॉप्ट किया ये जो कॉन्सेप्ट है 1916 में, तो मुझे लगा वाओ कितनी अच्छी अमेजिंग बात है। डे लाइट सेविंग क्या होता है कि आपका जो समर्स होते हैं उसमें आपके डे लाइट जो है वो सेव के लिए जो टाइम है वो डिफरेंस हो जाता है, एक घंटे का टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डे लाइट सेविंग। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने वेनिस के बारे में सुना होगा, वेनिस इटली, वहाँ पर ब्रिजेस ही ब्रिजेस हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं। तो मुझे लगता था कि वेनिस जो है उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिजेस हैं, पर ऐसा नहीं है। यूरोप में जो बर्लिन है वो उसमें वेनिस से भी ज़्यादा ब्रिजेस हैं। ऑफकोर्स अभी तक हम बर्लिन गए नहीं हैं, पर जब जाएंगे तो देखेंगे कि कितने ब्रिजेस हैं। वेनिस अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल है, इतने सारे उधर ब्रिजेस हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि बर्लिन भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। पर ये जो फैक्ट है कि बर्लिन में वेनिस से ज़्यादा ब्रिजेस हैं, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, सही है या गलत, इसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगी, वो आप डिसाइड करना और आप कमेंट करना बताना। यहाँ पर जर्मनी में एक रूल है कि अगर कोई अपराधी है, जेल में बंद है, और अगर वो भाग जाए वहाँ से, तो वो एक पनिशमेंट नहीं कहलाता। और यहाँ पर एज़ पर लॉ, ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन लॉज के हिसाब से सबको अधिकार है कि आप जो है वो कोशिश कर सकते हो आज़ाद होने की, और एट द एंड वो जो है वो पनिशमेंट नहीं कहलाएगा। ये बहुत डिफरेंट फैक्ट था, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, क्या सही है क्या गलत आई डोंट नो, पर यहाँ जर्मनी के बहुत डिफरेंट रूल्स हैं, उसमें से एक जो इंटरेस्टिंग रूल है वो ये है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, बहुत बार मैंने अपने व्लॉग्स में और इधर उधर आप लोगों को बताया ही है, पर इस वीडियो में मैं चाहती थी आप लोगों से फिर से बताऊँ, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप ऑटोबान पे हो, ऑटोबान मतलब जो हाईवेज़ होते हैं यहाँ पर, नो स्पीड लिमिट वाले हाईवेज़ होते हैं, वहाँ पर अगर आपका पेट्रोल जो है, आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाए, तो वो यहाँ पर इल्लीगल माना जाता है। और उसका रीज़न मैं ये मानती हूँ कि मतलब आपका हाईवे पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है ना, जब आप पता नहीं आप कभी ऑटोबान पे गए हो या नहीं गए हो, पर मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, तो इतनी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, नो स्पीड लिमिट होती है, और उसमें आप समझ लो कि बीच में किसी की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये तो एक सेफ्टी इशू भी हो जाएगा एंड प्लस सही भी नहीं है, तो इसलिए इसे इल्लीगल माना जाता है। तो भाई जब भी यहाँ पर गाड़ी चलाओ तो प्लीज़ अपना टैंक जो है वो फुल रखना, मतलब अपनी गाड़ी का टैंक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। अब इतने बारिश में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। और लास्ट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, जो अगेन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे पेट में ये बात पच नहीं रही और आपको बताने का मन कर रहा है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो पब्लिक प्लेसेस में जो है वो बैन है, मतलब आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं कर सकते, वेयर एज ड्रिंकिंग जो है वो लीगल है। मतलब अगर आप यहाँ पर आओगे और आप ट्रेन्स में लोगों को बियर या कोई भी अल्कोहल पीते देखोगे तो शौक मत होना, क्योंकि वो लीगल है जर्मनी में, जबकि स्मोकिंग जो है वो इलीगल है।
मतलब ये जो चीज़ है वो अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, फैक्ट था, जो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। इसी के साथ मैं जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो बढ़ गई है और मेरे को थोड़ा ठंडी भी लगने लगी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। और जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे वाले हैं।